वकील एकता जिंदाबाद, वकील एकता जिंदाबाद, पुलिस प्रशासन जिंदाबाद, लाठी मारो शासन को, लाठी मारो शासन को। हापुड़ में पुलिस द्वारा वकीलों के साथ हुई मारपीट से आहत अधिवक्ता संघ के वकीलों ने तहसील परिसर में उत्तर प्रदेश सरकार का फूका पुतला। न्यूज़ 9 टाइम्स, उत्तर प्रदेश हमीरपुर से जिला संवाददाता रमेश कुमार की रिपोर्ट। हमीरपुर जनपद के सरीला तहसील में दिन बृहस्पतिवार को अधिवक्ता संघ ने उत्तर प्रदेश सरकार का पुतला फूका। तहसील के वरिष्ठ एडवोकेट राम सेवक ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि बीते दिनों हापुड़ में पुलिस द्वारा महिला अधिवक्ताओं और पुरुष अधिवक्ताओं पर की गई मारपीट से अधिवक्ता संघ नाराज है। 30 अगस्त से कई बार ज्ञापन दिया गया है, पर सरकार द्वारा अधिवक्ताओं के पक्ष में कोई सुध नहीं ली गई है, जिससे नाराज अधिवक्ताओं ने प्रदेश अधिवक्ता संघ के निर्देश पर अधिवक्ताओं ने तहसील परिसर सरीला में उत्तर प्रदेश सरकार का पुतला फूंका है तथा सरकार और पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की गई है। साथ ही वकीलों ने तहसील परिसर में बैठकर धरना प्रदर्शन किया है। धरने के दौरान अधिवक्ता संघ के सदस्यों में एडवोकेट रामाश्रय ओमरे, देवी प्रसाद यादव, वंशीधर राजपूत, केशव निगम, बलवान सिंह, जय कुमार, वीरेंद्र राम सेवक, ब्रिजनंदन सन्यासी, पृथ्वीराज राम सिंह, नरेंद्र लाखन सिंह, राजेंद्र सिंह, रामोतार मकरेंद्र आदि बड़ी संख्या में वकील मौजूद रहे हैं। न्यूज़ 9 टाइम्स। संपूर्ण उत्तर प्रदेश में बार कामशाला उत्तर प्रदेश के आह्वान पर उनके कुशल निर्देशन में पूरे प्रदेश के अधिवक्ता इस समय आंदोलनरत हैं। आपको बता दें कि 29 अगस्त 2023 को जनपद हापुड़ में निर्दोष और निहत्थे वकीलों पर पुलिस द्वारा बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज किया गया था, जिसके विरोध स्वरूप पूरे उत्तर प्रदेश के अधिवक्ता हड़ताल पर हैं, आंदोलनरत हैं और जगह जगह पर पुतले दहन आदि की कार्रवाइयाँ चल रही हैं। इसके पहले हमने 5 तारीख को DGP उत्तर प्रदेश सरकार का पुतला दहन किया था और आज बार कौंसला उत्तर प्रदेश के आह्वान पर उनके कुशल निर्देशन पर बार संघ सरीला ने उत्तर प्रदेश सरकार का प्रतीकात्मक पुतला दहन किया है। इस बात से नाराज होकर के कि उत्तर प्रदेश का सारा वकील जो 30 अगस्त से बराबर हापुड़ कांड की घटना को लेकर के आंदोलित है, आक्रोशित है और विभिन्न प्रकार की उत्तर प्रदेश सरकार से मांगे की जा रही हैं कि जो भी दोषी पुलिसकर्मी हैं उनको दंडित किया जाए, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। कोई कार्रवाई आज तक नहीं हुई। SP हापुड़, DM हापुड़ का स्थानांतरण करने की मांग अधिवक्ताओं ने की, उस पर भी आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। प्रदेश के अधिवक्ताओं ने यह भी सरकार से मांग की कि हमारा जो एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट है उसे प्रदेश में लागू किया जाए, वो भी आज तक पारित नहीं किया गया। अधिवक्ताओं ने यह भी कहा कि जो भी उस बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज से जो हमारे अधिवक्ता, जिसमें पुरुष और महिला अधिवक्ताएँ सभी शामिल थे, उनका इलाज कराया जाए तथा उन्हें समुचित मुआवजा दिया जाए। इस प्रकार की जो हम लोगों की मांगें थी उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, आज तक कोई मांग पूरी नहीं की गई। इससे पूरे प्रदेश का अधिवक्ता पूरी बुरी तरह से आंदोलित है और सब लोग एकजुट हैं। अगर सरकार फिर भी हम लोगों की बात नहीं मानती तो ये आंदोलन बहुत आगे बढ़ेगा और हर प्रकार से संघर्ष करने के लिए हम लोग तैयार हैं। हमारा फिर से अंत में एक बार फिर हम अनुरोध करना चाहते हैं उत्तर प्रदेश सरकार से कि उत्तर प्रदेश सरकार को बार कौंसला उत्तर प्रदेश के आह्वान पर उत्तर प्रदेश के लाखों वकीलों की बात को मानना चाहिए, द्विपक्षीय वार्ता करके समस्या के समाधान के लिए आगे बढ़ना चाहिए और वादकारियों की परिस्थिति जो खराब हो रही है, मुकदमों का बोझ बढ़ रहा है, अवर न्यायालय से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक, हाई कोर्ट तक, इस तरह की परिस्थितियाँ जो बन रही हैं उनमें भी उनको राहत मिलेगी। हमारा यही निवेदन है कि राज्य सरकार को इसमें मध्यस्थता करते हुए इस समस्या के समाधान के लिए कोई रास्ता निकालना चाहिए। धन्यवाद।